हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, आज टेलीमिश मसाला में देखेंगे लेटेस्ट वायरल बोल्ड एंड हॉट फोटोज ऑफ बॉलीवुड एंड टेलीविजन स्टार्स। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें। सोशल मीडिया पर वायरल हुई हॉट फोटोज। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से एक है जो अपने फिट और हिट पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। अनिल कपूर ही नहीं बल्कि उनकी बेटी सोनम कपूर भी काफी सुर्खियां बटोरती है। सोनम को उनकी ड्रेसिंग सेंस के चलते इंडस्ट्री की फैशनिस्टा कहा जाता है। वे अपनी फैशन के लिए हमेशा ही जानी जाती है। कई बार सोनम को उनके कपड़ों की वजह से भी ट्रॉल होना पड़ता है। इसी बीच सोनम कपूर अपने कुछ फोटोशूट की तस्वीरों के चलते फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस फोटोशूट में उनका बोल्ड अवतार देख फैंस हुए हैरान। जी हां, एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। इन तस्वीरों में यकीन मानिए सोनम काफी बोल्ड नजर आ रही है। वहीं फोटोशूट में उनका पोज देने का अंदाज वाकई आपके होश उड़ा देगा। सोनम की शेयर की गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर फोटो है। इन फोटो शूट में सोनम ने गोल्डन कलर का बेहद ही बोल्ड टॉप पहना हुआ है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने प्रिंटेड स्कर्ट कैरी किया है, साथ ही उनके बाल खुले हुए हैं। इस ड्रेस में एक्ट्रेस को देखकर उनके फैंस के होश उड़े हुए हैं। वहीं सोनम कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनम आखिरी बार अपने पति की वेब सीरीज अके वर्सेस अके में नजर आई थी। अगर बात करें उनकी फिल्म की तो वो साल 2019 में आई फिल्म जोया फैक्टर में नजर आई थी। उन्होंने रणबीर कपूर के साथ फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद दिल्ली 6, खूबसूरत, निर्जा, प्रेम रतन धन पायो, वीरे दी वेडिंग और रांझना जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला ने रेड बिकिनी में लगाई ऐसी आग। 7 पिक्चर्स में देखिए उफ़ कितनी सेक्सी लग रही है। जी हां, बिग बॉस 13 के बाद शेफाली जरीवाला की लोकप्रियता आसमान तक पहुंच गई है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्टाइल और ग्लैमर के मामले में शेफाली जरीवाला की खूबसूरती देखने ही बनती है। शेफाली लॉकडाउन और कोरोना के दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वे अपने फैंस के लिए कोई ना कोई सेहत से जुड़ा हुआ सुझाव लेकर आती है। लेकिन इस बार शेफाली जरीवाला एक बार फिर से अपनी बिकनी तस्वीरों में छाई हुई है। यहाँ शेफाली बेहद बोल्ड अंदाज में बिकनी में पोज देते हुए दिख रही है। उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच छाई है, साथ ही खबरों में भी उनके इस लुक की काफी चर्चा हो रही है। शेफाली जरीवाला अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट कर चुकी है, तेजी से जो देखी जा रही है। यहाँ वह पूल में बिकनी में खड़े होकर सेक्सी पोज दे रही है, जिसे काफी तेजी से देखा जा रहा है। इन फोटोज के साथ शेफाली ने कैप्शन में लिखा है कि गर्मी को मजा चखाने का समय आ गया है। जी हाँ, इन तस्वीरों में शेफाली काफी खूबसूरत और सेक्सी दिख रही है। शेफाली जरीवाला और पति पराग त्यागी निजी जिंदगी में कई बार अपने पति के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती है। दोनों के बीच का रिश्ता बिग बॉस में दिख चुका है। साल 2014 में उन्होंने की थी शादी। जी हां, उन्होंने शादी की थी एक्टर पराग त्यागी से। शेफाली को बिग बॉस से पहले लोकप्रियता मिली थी कांटा लगा सॉन्ग से। उनका डांस काफी लोकप्रिय हुआ था। इस सॉन्ग के बाद ही शेफाली जरीवाला का नाम कांटा लगा गर्ल पड़ गया है। राधिका आप्टे ने मैगजीन के लिए करवाया बॉम्ब फोटोशूट। जी हां, कातिल है अदाए, कातिल लाना है नुमाइश। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। इसके अलावा वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती है। राधिका आप्टे इस समय अपने एक मैगजीन फोटोशूट को लेकर चर्चा में है। मैगजीन पर एक्ट्रेस की तस्वीरें देखकर आपकी नजरें झपकने का नाम नहीं लेंगी। जी हां, राधिका आप्टे ने इस बार काफी दिनों के बाद लगातार सुर्खियां बटोरी है। अब उन्होंने ग्राजिला मैगजीन के लिए अपना फोटोशूट करवाया है। राधिका आप्टे के इस फोटोशूट में उनकी अदाएं देखकर हर कोई दीवाना हुआ जा रहा है। ग्राजिला मैगजीन पर राधिका आप्टे की तस्वीरों की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए आपके पास शब्द कम पड़ सकते हैं। राधिका आप्टे की
हर तस्वीर को निहारने के अलावा आपको कुछ और समझ नहीं आएगा। जी हां, राधिका आप्टे के इस बिंदास फोटोशूट को देखकर यकीनन दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। आप इस हसीना के फैन हो या ना हो, उनकी मोहक अदाओं को देखकर मन में अक्षय कुमार की फिल्म ब्लू के सॉन्ग चिगी विगी के बोल जरूर गूंज उठेंगे। कातून की खिदमत में खिलाड़ी की है ख्वाहिश, कातिल ये अदाएं कातिलाना ये नुमाइश। तेरा हुस्न है रहमत या गजब, तेरा इश्क इबादत या खता। जी हां, कुंडली भाग्य की सृष्टि अंजुम फकीर ने बिकनी में शेयर की तस्वीरें, फैंस ने कर दी प्यार की बारिश। टीवी एक्ट्रेस अंजुम फकीर ने एक बार फिर अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अगर आपने उनकी तस्वीरें देखी तो उनकी खूबसूरती को बार बार निहारने का मन करेगा। अंजुम फकीर की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं। अंजुम फकीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी 5 तस्वीरें शेयर की है। इन सभी तस्वीरों में वह अलग अलग पोज दे रही है। अंजुम फकीर की हर एक अदा कातिल है और खूबसूरती पर तो आप 10 में से 10 नंबर दे देंगे। अंजुम की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वे स्विमिंग पूल के पास खड़ी है। अंजुम फकीर ने अपना ये फोटोशूट बिकनी पहनकर कराया है। नंगे पैर खड़ी एक्ट्रेस ने चश्मा पहना हुआ है। अंजुम फकीर ने 19 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। अंजुम फकीर ने कुंडली भाग्य और तेरे शहर में के अलावा नागिन 5, एक था राजा एक थी रानी, दिल ही तो है और देवांशी जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। साल 2017 में एक इंटरव्यू के बाद जिक्र करते हुए अंजुम फकीर ने कहा था कि मैं एक रूढ़िवादी परिवार से आती हूँ। करीब 8 साल पहले मैंने मॉडलिंग और टीवी शोज के लिए घर छोड़ दिया था। शुरुआत में उन्होंने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया, पर अब वो लोग मेरी सफलता से खुश है और यहाँ मुंबई में मुझसे मिलने भी आते हैं। अंजुम फकीर ने आगे कहा था, 4th क्लास से लेकर साल 2009 तक मैंने बुर्का पहना, लेकिन साल 2010 में मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी और वही पहनूंगी जो मेरा मन करता है। मैंने अपने सारे सलवार कमीज और बुर्का निकाल कर फेंक दिए थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेलीमश मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।